हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिफरेंट बाइनरी जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, ये रियल नंबर पे हम इनको यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन ए रियल नंबर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर। व्हाट दिस मीन क्लोजर? क्लोजर मीन्स इफ वी टू टेक टू एनी रियल नंबर्स और उन दोनों को हम ऐड करें तो वो रियल नंबर आएगा, एंड इट इज ऑब्वियस व्हाट वी हैव टू नो दैट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। सो इट मीन दैट कोई भी अगर तीन रियल नंबर लेते हैं हम और उनको हम किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, क्योंकि तीन नंबर एट ए इंस्टांस ऐड नहीं होते, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 + 2 + 3 करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में कहीं ना कहीं किन्हीं दो को ऐड करोगे कि 1 + 2 = 3 हो गया, देन ये +3 अगेन। व्हाट माय पॉइंट? तो एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी ऑर्डर में a + b + c करें, या पहले b + c को ऐड करें फिर a ऐड करें, या पहले a और c को ऐड करें फिर a ऐड करें, तो आंसर सेम आएगा। सो इट मीन दैट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड इन रियल नंबर्स। नाउ कॉमुटेटिव। कॉमुटेटिव मीन्स a + b = b + a, मीन्स 2 + 3 = 3 + 2। तो इट इज ऑब्वियस व्हाट वी हैव टू नो व्हाट व्हाट दिस मीन। दिस मीन्स कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, इस नंबर में, इस जीरो में हम कुछ कोई भी रियल नंबर ऐड करें, कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो वही रियल नंबर वापस आ जाता है। सो दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी, एंड एडिटिव इनवर्स। कोई अगर रियल नंबर है हमारे पास, उसमें क्या नंबर हम ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, सो दैट इज माइनस ए, ए में माइनस ए ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा। ओके, सो हर नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। अगर 2 लेंगे तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा, तो जीरो आएगा, है ना। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस इन रियल नंबर्स। नाउ इट इन द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, तो दो अगर रियल नंबर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी रियल नंबर होगा। एंड सेकंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का आपको मतलब मैंने बता दिया। एसोसिएटिव का मतलब कोई भी तीन नंबर लें और उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक। चाहे ए बी को पहले करें फिर सी से करें, या वी सी को पहले करें फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी रिमेन सेम इन रियल नंबर्स। नाउ कॉमुटेटिव। कॉमुटेटिव आपको बता दिया। कॉमुटेटिव में क्या होता है कि ऑर्डर ऑर्डर चेंज भी कर दिया, अगर ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, इट रिमेन्स इक्वल। एंड फोर्थ वन इज आइडेंटिटी। सो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई थिंक वर्ड डिक्लेयर है कि किससे हम मल्टीप्लाई करें। सो दैट इज वन। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ए के साथ वन को मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज ए ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में वन और एडिशन में जीरो होता है, तो जीरो के लिए हम एडिटिव आइडेंटिटी यूज करते हैं, एंड देन इट इनवर्स, ठीक। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होना चाहिए? सभी का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा? सभी का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होगा मतलब कि ए के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वन आ गए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऑब्वियस है, 1/a करें तभी आपका 1 आएगा, बट 1/a जब करेंगे तो
वी हैव टू नो दैट कि आपका ए जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए. क्लियर? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सभी का नहीं निकलेगा. किसका नहीं निकलेगा? जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता है. तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक, बाकी तो आपको बताइए, जैसे टू का निकालना है तो वन बाई टू आ जाएगा, अगर अंडर रूट टू का निकालना है हमने तो वन अपॉन अंडर रूट टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा. बट कीप इन माइंड कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. सो कीप इन माइंड. ओके, मूव टू नेक्स्ट वन. So then next is division and subtraction on real numbers. So कोई भी दो real number को अगर subtract करेंगे तो definitely real number ही आए. So real number is closed under subtraction. ठीक, under subtraction ये closed होगा. और सब्ट्रैक्शन में कॉमोटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी. क्यों क्यों नहीं होल्ड करेगी? ठीक, कॉमोटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड does not hold. Hold under subtraction. क्यों नहीं hold करेगी? क्योंकि अगर हम a minus b करेंगे that not equal to v minus a. ठीक, जैसे 2 minus 3 करेंगे हमारे पास minus 1 आएगा, और 3 minus 2 करेंगे तो 1 आएगा. They are not equal. और उसी तरह से अगर हम associativity की बात करें तो 2 माइनस, जैसे 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना, अगर इसको ऐसे लेते हैं तो व्हाट वी गेट 1 माइनस माइनस 1, सो दैट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2. और अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर ऐसे कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस 1 एंड माइनस 3 दैट इज माइनस 4. सो एसोसिएटिविटी डज नॉट hold in does not hold in some by in subtraction. Subtraction में ही hold नहीं करती है. अब आ जाती है division की. अगर division की बात कर ले हम तो division में क्या होगा हमारे पास कि बाकी जो भी दो real number को हम divide करेंगे तो real number ही आएगा, है ना. But एक ही प्रॉब्लम है, जीरो. जीरो से हम किसी को नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. सो इट मीन दैट आर आर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ठीक, क्यों नहीं करते है? बिकॉज अगर हम दो लेते हैं वो भी रियल नंबर है, और जीरो ले वो भी रियल नंबर है, बट अगर हम टू अप डिवाइड बाई जीरो करें सो दैट नॉट बिलोंग्स टू आर. दो रियल नंबर को डिवाइड करके आंसर भी रियल नंबर में आना चाहिए. सो इट मीन दैट डिवीजन जो है वो उसके रिस्पेक्ट टू डिवीजन रियल नंबर इज नॉट क्लोज्ड. आई थिंक यू गॉट द आइडिया. क्योंकि क्लोजनेस का मतलब होता है सभी नंबर, सभी पेयर के लिए होल्ड. ऐसे नहीं है किसी एक पेयर के लिए हो जाए बाकी. अब इस जी जब जब जिस पेयर में जीरो आएगा, जीरो से तो डिवीजन होगी तो नहीं होल्ड करेगा. तो इट वी कैन नॉट से कि इट इज क्लोज्ड अदर देन जीरो. क्लोज्ड मींस इट विल बी वैलिड फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स. सो जीरो के लिए जब जीरो डिवीजन में आएगा नहीं होल्ड करेगा, इट मीन दैट दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी होल्ड अंडर एडिशन अंडर डिवीजन. क्योंकि एक भी अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो नहीं बोल सकते कि होल्ड करेगी.
तो इस तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ सकता है कि वेदर रियल नंबर इज क्लोज अंडर सब डिवीजन और नॉट, सो यू शुड गेट द आइडिया व्हाट यू हैव टू से. नेक्स्ट इज सेम जो प्रॉपर्टीज हैं अगर हम इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करें, तो इंटीजर्स में हम अंडर एडिशन की बात करें और अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है. तो अंडर एडिशन में आपके पास दो कोई भी दो रियल नंबर दो इंटीजर लेंगे तो उनका सम भी इंटीजर आएगा, ठीक है. अगर दो इंटीजर लेंगे और अगर हम दो कोई इंटीजर लेते हैं उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी करें या बी माइनस ए करें, ठीक. तो वो होल्ड करेगा ही करेगा. सो इट मीन दैट अंडर एडिशन जो है ये क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है. उसी तरह से एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन होल्ड करती है, ठीक, और यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, ठीक. यहाँ पे कॉमोडिटिव लिख देते हैं ना, कॉमोडिटिव क्लोजर क्लोजर होल्ड करेगी, एसोसिएटिव होल्ड करेगी, इसमें होल्ड नहीं करेगी, ठीक. फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो अच्छा कॉमोडेटिव की बात भी कर लेते हैं. कॉमोडेटिव तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे तो वो भी होल्ड करेगा, तो कॉमोडेटिव वो होल्ड करेगा बट यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि 2-3 और 3-2 सेम नहीं होते, ठीक. फिर आइडेंटिटी की बात आती है, आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी आपका अंडर एडिशन 0 होगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 होगा, सॉरी अंडर सब्ट्रैक्शन तो आइडेंटिटी की बात होगी क्योंकि जब तक ये क्लोज नहीं है तो यहाँ पे ये बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक. क्योंकि वो जो आइडेंटिटी की बात करते हैं वो बोथ वे होना चाहिए. अगर 0-2 करूंगा तब भी आपका 2 आना चाहिए, या 2-0 करूंगा तब भी 2 आना चाहिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल, है ना. आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसे मर्जी ऑपरेशन लगाएं आप बोथ वेज, सो दे आर नॉट इक्वल टू इच अदर, क्योंकि 0-2 नॉट इक्वल टू 0, 2-0. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक. फिर आती है इनवर्स की बात आती है, तो इनवर्स ऑब्वियस है, जो भी नंबर होगा उसका इनवर्स जो होगा वो माइनस ए इनवर्स होगा, ए बिलोंग्स टू आई, दिस इज इनवर्स अंडर दिस. और तो सब्ट्रैक्शन की तो बात हम आगे कर नहीं पाए, ठीक है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे और होल्ड नहीं करे तो आगे हम बात कर नहीं पाते. तो इस तरह से इंटीजर्स में ये होल्ड करेगा. अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसी में अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दें आगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये क्लोजर होता है ना, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा, गॉट माई पॉइंट. और इसमें इनवर्स होल्ड नहीं करता है, इनवर्स नहीं होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्यों क्यों नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि अगर हम इनवर्स की बात करें, जैसे 2 इंटीजर है हमारे पास, इसका इनवर्स होगा 1/2, तो 1/2 इज नॉट इंटीजर, क्लियर. ये तो इंटीजर है बट 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होल्ड कर जाएगी, 1 तो इंटीजर है बट उसका जो बटा होगा ये 1/2 होगा, दैट नॉट बिलोंग्स टू दिस, सो इट इज नॉट, इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे. तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स में ये होल्ड करती है. अब सेम एक बात हम कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की ऊपर भी बात कर लेते हैं. तो रैशनल नंबर्स में पहले आती है बात क्लोजर, तो क्लोजर अंडर एडिशन जो होगा वो होल्ड करेगा, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रैशनली आएगा,
अंडर मल्टीप्लिकेशन वी होल्ड करेगा, अंडर सब्ट्रैक्शन वी होल्ड करेगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल ही आएगा, बट डिवीजन की बात करें तो फिर वो पंगा पड़ जाएगा जीरो वाला, ठीक। सो क्योंकि रैशनल नंबर में अगर हम किसी रैशनल नंबर को जैसे 1/2 है इसको डिवाइड जीरो से करते हैं सो दैट नॉट डिफाइंड और नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स यू कैन से, ठीक। तो ये इसमें होल्ड नहीं करेगी। अब एसोसिएटिविटी की बात करें, एसोसिएटिव तो दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा, और सब्ट्रैक्शन तो एसोसिएटिव होल्ड करता ही नहीं, ठीक। तो डिवीजन भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक। फिर बात करें हम अगर कॉमुटेटिव की, कॉमुटेटिव में अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें दो रैशनल नंबर्स को तो रैशनल ही आएगा और इक्वल रैशनल तो आएगा सब में, सब तो क्लोजर होता है, साथ में इक्वल भी आएगा। इधर से अगर मैं एक रैशनल नंबर ए लेता हूँ और दूसरे रैशनल नंबर बी लेता हूँ तो बी प्लस ए करूँगा तब भी वो सेम आता है रैशनल में, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड कर जाएगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है, सो ये भी होल्ड किया और इसमें भी होल्ड किया, बट सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा, ठीक। अगर दो ए माइनस बी करेंगे दैट नॉट इक्वल टू बी माइनस, तो यहाँ भी होल्ड नहीं करता और डिवीजन में भी ऑब्वियस होल्ड नहीं करेगा। फिर आती है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी में हमारे पास अंडर एडिशन जीरो होगा, ठीक, और यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे कोई बात नहीं होगी आइडेंटिटी और इसकी। उसी तरह से फिर इनवर्स की बात आती है, तो इसमें इनवर्स कोई भी नंबर होगा जैसे रैशनल नंबर्स होगा जैसे ए होगा तो उसका इनवर्स जो होगा वो माइनस ए, ठीक। और यहाँ पे जो इनवर्स होगा वो अगर ए है तो उसका इनवर्स वन अपॉन ए आएगा, ठीक। सो इसका हम इनवर्स होल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक। बट यहाँ पे हमें ये साथ में लिखना जरूर पड़ेगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। जीरो का इनवर्स नहीं निकलेगा जैसे जैसा हमने रियल में बात करी थी और बाकी यहाँ तो बात हो गई उनकी, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गए। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हमें होल्ड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और आगे अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो आई थिंक इट प्रॉपर्टीज भी कवर हो गई नंबर्स के ऊपर, फिर भी कोई अगर प्रॉपर्टीज रहेंगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इरेशनल पे आ जाते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स पे। आपको इरेशनल्स मैंने बताया था क्या होते हैं, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं होते, ठीक, कि नहीं होते, इट इज नॉट नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्यों नहीं होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स आर नॉट, ये इज नॉट आर रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, व्हाई, क्योंकि जैसे अब कोई भी एग्जांपल कॉन्ट्रीब्यूट एग्जांपल ये देखिए बड़ा कॉम एग्जांपल इस तरह ये चीज, ये देखो ये आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4, और दैट इज नॉट इरेशनल नंबर्स, ये तो दोनों को ऐड करके रैशनल बन गया। सो इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन डज नॉट होल्ड। What about multiplication? So under multiplication, so closure property, yeah, it is rational numbers, irrational numbers are not closed under multiplication. क्यों?
मिडिल डिवीजन के लिए अगर टू ले लिया और एक हम नंबर माइनस टू ले लेते हैं, अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस टू। अच्छा माइनस टू आएगा और ये क्या बन गया, ये तो रैशनल बन गया। सो रैशनल नंबर आर नॉट नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टी डिवीजन। ठीक है, तो ना तो अंडर एडिशन इरेशनल नंबर क्लोज होते हैं, ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं। ठीक, सो वन मोर प्रॉपर्टीज वी कैन गो थ्रू। सो आई थिंक ये नंबर सिस्टम में जो भी चीजें अंडर फंडामेंटल ऑपरेशन जो हमने डिस्कस कवर कर ली, कुछ एक और प्रॉपर्टीज जो हम ओवरऑल सबसे हमारा जो बड़ा सिस्टम होता है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो है वो रियल। ठीक, और इस सिस्टम के पास जो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, एक जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रियल पूछा जाता है, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज है जैसे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक, या मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स का मैं सिंपल बात करूंगा कि जब भी जिसको हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर्स मींस कि अगर ए बी का फैक्टर है, इफ ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो इट मीन दैट जब हम बी को डिवाइड करेंगे ए से, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक, तो शर्त यह है कि आपका ये जो ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, ए जीरो नहीं होना चाहिए, डिवीजन कभी जीरो से नहीं। ठीक, और अगर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं फैक्टर फाइंड आउट करने की, और सबसे हमारे पास जैसे अगर सिंपल, क्योंकि जब फैक्टर की बात करेंगे तो आगे आपसे पूछा जाएगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ना। तो जब भी हमने जैसे सपोज करो सिक्स का हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो सिक्स के आप मल्टी देख लो कि क्या क्या इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल, कौन कौन से टेबल में आता है। तो सिक्स आपका बनेगा सिक्स वन का सिक्स, फिर टू के टेबल में आएगा टू थ्री का सिक्स, फिर थ्री के टेबल में आएगा थ्री टू का सिक्स, फिर सिक्स वन का सिक्स। तो ये जितने भी हमारे पास इधर जो नंबर्स हैं दे आर फैक्टर ऑफ सिक्स, तो सिक्स इटसेल्फ ए फैक्टर होगा, तो सिक्स के जो फैक्टर्स आए वो आ गया वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ एंड सिक्स। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। और जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो इट मीन दैट वो भी आपका जो मल्टीपल है वो, जैसे अगर हमें टू के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, तो टू के मल्टीपल्स इसका मतलब टू से जितने भी जो नो टू, टू इटसेल्फ इज मल्टीपल हो गया, टू को मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका मल्टीपल बन गया, टू को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका मल्टीपल बन गया। इसका मतलब जो भी मैं टू से मल्टीपल अप्लाई करके जो भी नंबर्स फ्रेम होंगे, so that goes on, they are the multiples of 2. It means that multiple simple हुआ कि अगर हमारे पास a b को divide कर रहा है, a b को divide कर रहा है, पूरी तरह से divide कर रहा है, remainder 0 आ रहा है, इसका मतलब b जो होगा b is called multi पल ऑफ ए। गॉट माय पॉइंट, समझिए मेरी बात। अगर मेरे को चेक करना है कि टू, जैसे सिक्स टू का मल्टीपल है, जो भी सिक्स को टू डिवाइड कर रहा है तो ये मल्टीपल होगा। इसका मतलब एक सिंपल सी बात होगी, एक अगर इन दोनों चीजों से हम कंक्लूड करें कि अगर हमारा ए नॉन जीरो है और ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो बी जो हुआ वो मल्टीपल हुआ, मल्टीपल ऑफ ए हुआ, और ए जो हुआ वो फैक्टर ऑफ बी हुआ। ठीक, ये इस तरह से आप इसको
अपने माइंड में बिठा सकते हो आप। ठीक, और देखो बड़ी एक सिंपल सा रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर इसको थोड़ा रिलेशंस की फॉर्म में देखें, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक, और बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए भी सी को डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिविटी, ट्रांसफर हो गया ना चीज। मतलब अगर दो चार को डिवाइड कर रहे हैं और चार जो है वो आठ को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है टू चार को डिवाइड करे, दो आठ को डिवाइड करे, ये बात समझिए। सो दिस इज ऑल्सो ए मीन्स, अगर ए बी का फैक्टर है और बी सी का फैक्टर है, तो ए सी का भी फैक्टर होगा, ठीक, या यू कैन से बी ए का मल्टीपल है और बी जो वो सी का मल्टीपल, सी जो बी का मल्टीपल है, तो सी ए का मल्टीपल होगा। दोनों तरीकों से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ए ए को डिवाइड तो कर रहे करेगा, तो इट मीन दैट ए ए का फैक्टर भी है और ए ए का मल्टीपल्स भी है, और दिस इट होल्ड फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर्स। ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है आपकी बात, ए शुड नॉट बी जीरो फॉर ऑल ए, बट ए शुड नॉट बी जीरो, ठीक। तो इसका मतलब ए आपका, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक। एंड द थर्ड वन इज, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और एंड ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो एक बड़ी जबरदस्त चीज ये आती है यहां से कि ए जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और साथ में इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, टू फोर को भी डिवाइड कर रहा है और टू जो वो आठ को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 12, तो टू 12 को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो टू 6 को भी डिवाइड करेगा, लाइक दिस। और एक और चीज आ सकती है यहाँ पे कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी जो वो ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये कभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, रियल नंबर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी है रियल नंबर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑर्डरिंग, ऑर्डर, ठीक। और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस टू प्लस वन में पढ़े होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि टू आयोटा बड़ा है या थ्री आयोटा बड़ा है, तो व्हाट विल यू से, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वी कैन नॉट कमेंट, ओके, क्योंकि आयोटा जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, वी डोंट नो द साइन ऑफ आयोटा, आयोटा है क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वी कैन नॉट ऑर्डर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग नहीं होती, और रियल नंबर में ऑलवेज ऑर्डरिंग होती है। अगर हमारे पास दो रियल नंबर है, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों के बीच में एक द रिलेशन जरूर होगा, या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा, इन तीनों में से तो एक होल्ड करेगी करेगी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्राइको टॉमी लॉ। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं तो उनमें होल्ड करेगी, और ये लॉ जो है वो आपका रियल के साथ साथ इंटीजर्स में भी होल्ड करेगा, ठीक, कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो ये ऑर्डरिंग की बात हुई, या तो वो इक्वल होंगे या बड़ा होगा या छोटा होगा, लाइक दिस, ठीक। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग, और ऑर्डरिंग में जब भी लेस देन इक्वल टू की बात आती है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत करते हैं,
स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ एक अब चीजें बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव नंबर, दे आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक, ए बी और बी भी। और अगर इसमें अगर ए जो है वो मान लो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो बी के रेसिप्रोकल से कम होगा। क्यों होगा? जैसे टू हमारा जो है वो वन से बड़ा है ना, अगर हम उल्टा कर देते हैं, वन अपॉन टू इज लेस देन वन अपॉन टू, इट्स ट्रू ना, ये 0.5 है, ये वन है, ठीक। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ पे ये हम यूज कर लेते हैं वन टू, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर ए बी से बड़ा है और हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से, तो इनक्वालिटी चेंज करना नहीं बोलना है क्योंकि इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। टू अगर थ्री टू से बड़ा है तो जैसे माइनस लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्यों? रियल लाइन पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास माइनस टू होगा और यहाँ पे माइनस थ्री होगा, और प्लस के टाइम यहाँ पे आपके पास माइनस वन होगा या जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा। तो यहाँ पे थ्री आपका टू के राइट में था, लेकिन जैसे माइनस होगा टू माइनस टू के वो माइनस थ्री जो वो लेफ्ट में चला जाता है। गॉट माई पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्री टू से बड़ा है तो ऑब्वियस है थ्री जो होगा वो टू के राइट में होगा, लेकिन जैसे ही माइनस लगेगा तो यहाँ पे माइनस थ्री के जो राइट में वो माइनस टू है, सो दैट्स वाई इनक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, ठीक। सो उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए बी से बड़ा है और दोनों तरफ अगर हम कोई एक नंबर ऐड कर देते हैं तो इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ कर रहे हैं जो भी करना है ऐड वो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। और अगर हम सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लो कि ए को भी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ और बी को भी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बट वहां पे ये इनक्वालिटी सेम तभी रहेगी अगर सी पॉजिटिव होगा तो, ठीक, अगर सी पॉजिटिव हो तभी इनक्वालिटी सेम रहेगी, अदरवाइज इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज वी हैव टू इन अ माइंड। और वन मोर थिंग, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट जीरो आए? तो ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो ए जीरो के बराबर होगा या बी जीरो के बराबर, दोनों में से एक जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो प्रोडक्ट जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे सपोज करो हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कई बार एग्जाम में, कि जब हमारे पास फैक्टर होते हैं, जैसे सपोज करो 3x इज इक्वल टू 2x है, जब कैंसिलेशन करते हैं तो क्या इसको हम x x कैंसिल कर सकते हैं? वो क्लियर कट पता लग रहा होगा कि यहाँ पे तो अगर हम x x कैंसिल करेंगे तो हमारा x 3 जो 2 के बराबर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वाई वी कैनॉट कैंसिल, एक्स से डिवाइड नहीं कर पाएंगे? वाई? कैंसिलेशन का मतलब यही है ना कि दोनों तरफ हमने एक्स से डिवाइड करना है, या मैं अगर आप एक्स इंटू वाई और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स इंटू जेड, तो आप बिल्कुल काट देते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर आप वाई और जेड को आपको पता ही नहीं क्या है, बट यहाँ पे पता है आपको, एक्स स्क्वायर काटोगे तो 3 और 2 बराबर हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, और वो आपके पास क्या आएगा, अपसर्ड आएगा, और अपसर्ड आएगा इट मीन दैट कुछ ना कुछ तो गलत है। क्यों आएगा अपसर्ड? इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 इक्वल आ जाए, यही मतलब है ना इसका, 3x 2x, व्हाट दिस मीन, हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, what this mean, it means that ऐसा कौन सा नंबर है, जीरो, ये वही
जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा सेम। सो इट मीन दैट एक्स जीरो था यहाँ पे, तभी तो अपसर्ड आ रहा था। कैंसिल करने का मतलब दोनों तरफ जीरो से डिवाइड कर रहे थे, तो जीरो से हम कभी भी डिवाइड नहीं करते, ठीक। सो इट मीन दैट कि जब भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन हो, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, तो हम कभी भी एक्स को नहीं काट सकते। अगर एक्स कटेगा तो वी हैव टू राइट देयर कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन राइट वाई इक्वल टू जेड। ओके, सो आई होप कि आपको ये आपका नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। कुछ एक टॉपिक बचता है थोड़ा सा इसका पार्ट, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन या इसमें डिवीजन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक बॉड मास यूज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा। और हमारे पास अगर सर्ड्स दिए हैं तो उनको कैसे कंपेयर करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में कई बार क्या होता है कि कंपैरिजन करने को आ जाता है कि सर्ड्स कैसे आप उसको कंपेयर करोगे, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।